गाजियाबाद मुरादनगर में स्थित शमशान घाट में घटना की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने गए लोगों के ऊपर शमशान घाट का लिंटर गिरने से करीब 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और काफी लोग इस घटना में घायल हुए थे। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए घटना की जाँच शुरू कर दी। घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिविल लाइन जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पार्टी मांग करते कि इस प्रकरण में ऊपर से नीचे तक जो भी लोग दोषी पाए जाएं उन पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए। पिछले दिनों शमशान घाट की छत के गिरने का प्रकरण था, उस संबंध में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी के जिला मुरादाबाद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर कचहरी पर डीएम के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसका एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि 55 लाख रुपए की छत बनाने में एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 16 लाख ठेकेदार से लिए गए, जो उसने खुद कबूल किया है कि 16 लाख रुपए की रिश्वत मैंने केवल एक अधिकारी को दी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल और केवल 55 लाख रुपए के छत निर्माण में, शमशान घाट के निर्माण में कितने बड़े लेवल पे घोटाला किया गया है प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा और इस सिस्टम द्वारा। इसके बावजूद वहाँ पर जिन लोगों की शहादत हुई है, 25 लोगों की, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है, जिससे उन लोगों के परिवार को राहत मिल सके। कम से कम जो है ऐसे परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, मृतक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी और 25 लाख रुपए की मिनिमम राशि उन्हें दी जानी चाहिए, जिससे कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। कारण उसका ये है कि उनके परिवार के मुखिया जो इस दर्दनाक हादसे में शिकार हुए हैं, मौत के घाट उतर गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि सरकार को चेतना चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बदायूं के बाद आज मुरादाबाद के भोजपुर में एक लड़की औरत के साथ बलात्कार हुआ है, ये आखिर जो है क्यों जनता में जो है ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि योगी जी महिलाओं की सुरक्षा में सही काम कर रहे हैं। लगातार योगी जी द्वारा ये आदेश निर्गत किया जाता है कि सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए संवेदनशील है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी, आप के केवल कहने मात्र से पुलिस सक्रिय नहीं हो रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में जिले बर दर जिले लगातार बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। कृपया आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की कोशिश ना करो, पहले प्रशासन ठीक कीजिए और महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाइए।